राशिफल के अनुसार आज यानी गुरुवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपकी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वालों की बात करें तो यदि आपके ऊपर आपके परिवार की सारी जिम्मेदारी है, आप अपनी मेहनत से अपने परिवार की भविष्य की नींव को मजबूत रखने में कामयाब रहेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ हो सकता है, इसलिए आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें, अन्यथा आपका कोई रोग अधिक बढ़ सकता है। बात करें अगर वृषभ राशि वालों की तो आज आपको अपने छोटे भाई या पुत्र पर कड़ी निगरानी रखनी होगी, अन्यथा वो आपको किसी प्रकार का धोखा दे सकते हैं और अपने गलत उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद आपके दिल को बहुत अधिक गहरी चोट लग सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आज आप अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करें, एक परहेज 100 दवा के बराबर काम करता है। बात करें अगर मिथुन राशि वालों की तो आपको हर चीज देखभाल कर अपना कदम उठाना है, क्योंकि हर एक वस्तु अच्छी नहीं होती। कल आपकी संतान को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए अपनी संतान के भविष्य के लिए अच्छा मार्गदर्शन करें, जिससे आपका बच्चा अपने जीवन में सफल हो सके। आपकी सेहत की बात करें तो आज आप अग्नि से थोड़ा सा बचकर रहें, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। बात करें अगर कर्क राशि वालों की तो आपका कोई गहरा मित्र आपको धोखा देने का प्रयास कर सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप पर आपके परिवार की जिम्मेदारी है तो आज आप आर्थिक स्थिति को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, परंतु आप इस स्थिति के बारे में अपने परिवार के साथ भी अपनी परेशानी साझा करें। बात करें अगर सिंह राशि वालों की तो आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से रहने वाला रहेगा। आपको प्रतियोगिता में सफल होने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आपके दंपत्ति जीवन की बात करें तो आज आपको किसी स्वार्थी महिला से बचना होगा, उसके हस्तक्षेप से संबंधों में दरार आ सकती है, जिससे आपके परिवार की शांति भी भंग हो सकती है। बात करें अगर कन्या राशि वालों की तो आपके आलस के कारण आपका करियर खराब हो सकता है, क्योंकि आलस वो दीमक है जो आपके करियर के दरवाजे को बंद कर सकता है, इसलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्टिव हो जाएं और जितना जल्दी हो सके तो आप आलस के बंधन से दूर हो जाएं, अन्यथा आपके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। बात करें अगर तुला राशि वालों की तो आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। यदि आपके परिवार में आपके घर के मुखिया आपके पिता हैं, तो आप उनकी हर परेशानी में उनका साथ दें, उनके कहे अनुसार ही घर में सब अपना कार्य करें। सेहत की बात करें तो देर रात तक मोबाइल फोन या टीवी देखने के कारण आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, आपकी आंखों में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आप जल्दी से किसी आईज स्पेशलिस्ट को दिखाकर अपना इलाज करवाएं। आज आप अपने बच्चों की भविष्य को लेकर संतुष्ट रहेंगे, आपका मन किसी बात को लेकर अति प्रसन्न रहेगा। बात करें अगर वृश्चिक राशि वालों की तो आपको उन्नति अवश्य मिलेगी, इसके साथ ही आप जरूरतमंद लोगों की मदद भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी पीछे ना हटें, रिश्तों को अच्छे से निभाने का प्रयास करें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार में अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें, जिससे आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। बात करें अगर धनु राशि वालों की तो आज का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। आज आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपकी मेहनत करियर में चार चांद लगाने का कार्य करेगी। आज मेहमानों की आवाजाही और घर की जरूरत के सामान खरीदने से आपके घर का बजट बिगड़ सकता है। आपकी सेहत की बात करें तो स्टोन के रोगियों को आज थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके पथरी का दर्द उठ सकता है, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। आपकी पथरी बड़ी होने के कारण आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें अगर मकर राशि वालों की, आज दूसरे व्यक्तियों से अपने लिए ज्यादा मदद की उम्मीद ना रखें। क्रोध करने के स्थान पर शांति के साथ दूसरों की बातों को सुनने का प्रयास करें। यदि आपके परिवार में किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो आप उनके लिए थोड़ा सा अधिक समय निकालें और उनकी सेवा करें, जिससे वो जल्दी ठीक हो सके। अपने लिए कुछ समय निकालें, योगासन करके और ज्ञान का सहारा लेकर के अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। बात करें अगर कुंभ राशि वालों की तो आज का दिन सही रहेगा।
आपके परिवार के लोग आपकी तारीफ करते हुए नजर आएंगे। आज आपके परिवार की किसी महिला के साथ तनाव होने के कारण घर के सभी लोगों का मूड ऑफ हो सकता है, जिसका असर आपके घर के वातावरण पर पड़ेगा। सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में आप थोड़ा सा सावधान रहें। स्वास्थ्य ठीक ना होने पर डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। बात करें अगर मीन राशि वालों की, तो आज आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आपकी संतान और परिवार को सुख शांति और संतुष्टि मिलेगी। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आप बालों में डैंड्रफ से परेशान हैं, तो आप घरेलू नुस्खे कलमाने के साथ साथ डॉक्टर से भी परामर्श अवश्य लें। आपकी समस्या जल्द ही दूर होंगी। आज आपका मन आपके घर के कार्यों में नहीं लगेगा। आप अपने परिवार की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए किसी मंदिर इत्यादि में जाकर हवन पूजा करा सकते हैं। ऐसे ही अपना रोज का राशिफल जानने के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।